हेलो माय लवली स्टूडेंट्स दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल वी आर ऑन दी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 थर्ड पार्ट पे हम आ गए हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं x स्क्वायर के साथ सॉरी x स्क्वायर के साथ यहां पे हमारे पास 4 है पूरी इक्वेशन को 4 से कर देंगे डिवाइड तो 4x square, अपॉन फोर प्लस फोर अंडर रूड थ्री एक्स अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन फोर इक्वल्स टू जीरो अपॉन फोर फोर से फोर हो गया कैंसिल ये बचा एक्स स्क्वायर यहाँ भी फोर से फोर कैंसिल हो गया प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर इक्वल्स टू जीरो अब इस थ्री अपॉन फोर को यहाँ भेज देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स इक्ल्स टू माइनस थ्री अपॉन फोर अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है एक्स के साथ जो है अंडर रूट थ्री है सो so इसको मल्टीप्लाई करना होता है हमें हाफ से तो हमारे पास आ गया अंडर रूट थ्री अपॉन टू अब इसका स्क्वायर दोनों साइड पे प्लस करना होता है सो so, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स एंड देन प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस अगेन अंडर रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर क्लियर ये चीज आगे बढ़ते हैं अब यहां पे तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का विच मीन्स हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस बी क्या है अंडर रूट थ्री अपॉन टू इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे देखो माइनस थ्री अपॉन फोर प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ गया अपॉन में टू का स्क्वायर फोर आ गया लो ये तो जीरो ही हो गया यहाँ पे दैट मीन्स ये हमारा आ गया एक्स प्लस अंडर रूट थ्री अपॉइन टू इक्वल्स जीरो हो गया अच्छा हम यहाँ स्क्वायर कहाँ गया उधर जाके अंडर रूट वहाँ पे होगा तो जीरो का अंडर रूट जीरो ही होगा दैट मीन्स हमारे पास सिंपल शॉर्ट आ गया x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन तो एक्स की वैल्यू या कि आप भाई में दो वैल्यू चाहिए दिस अगर एक ही आई है तो दोनों वैल्यूज ही हमारी सेम है मेरे में भी कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता था ना यहाँ पे भी वही चीज है तो ये क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट था लास्ट पार्ट भी यही इसी वीडियो में खत्म कर लेते हैं सो चेक ये शायद हमने गलत लिख दिया है नहीं यही है चलो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो अब पहली चीज क्या करनी है एक्स स्क्वायर के साथ टू है पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड कर देंगे सो टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन टू प्लस फोर अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो सो टू से तो टू हो गया कैंसिल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स इक्वल्स टू ये कैंसिल हो जाएगा टू आ जाएगा यहाँ पे इसको उधर भेज देंगे माइनस टू हो जाएगा अब हमें देखना है एक्स के साथ क्या है एक्स के साथ है so, 2, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू प्लस वन अपॉन फोर का स्क्वायर क्लियर ये चीज अब यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला क्या बनेगा दोनों तरफ प्लस ही है माइनस टू प्लस वन का स्क्वायर वन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सो यहाँ पे आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सॉरी सो so, हमारे पास ये तो एज इट इज रहेगा एक्स प्लस वन अपॉइंट फोर का होल स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे देखो एल लेंगे सिक्सटीन आएगा सिक्सटीन टू से थर्टी टू माइनस थर्टी टू प्लस वन सो ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थर्टी टू में से वन माइनस करेंगे थर्टी वन लेकिन माइनस का अपॉन में सिक्सटीन एंड ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर स्क्वायर को उधर भेजोगे अंडर रूट आ जाएगा तो एक्स प्लस वन फोर इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस थर्टी वन अपॉन सिक्सटीन अब यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको याद होगा हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला था क्वेश्चन में हमें बोला था इफ दे एग्जिस्ट अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपको निकालने हैं बट इस पार्ट में आई कैन से रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी यहाँ पे अंडर रूट में हम क्या करते हैं यूजली जैसे अगर अंडर रूट में सिक्सटीन है तो हम कहते हैं हाँ वो अंडर रूट से बाहर आके प्लस माइनस होता है लेकिन अंडर रूट में माइनस सिक्सटीन नहीं हो सकता सो दैट मीनस अगर ये अंडर रूट में आ रहा है, तो इसके एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें इसके आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ओके okay जी सो so ये था हमारा फोर्थ पार्ट अच्छा आप लिख दोगे कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट तो ये था हमारा क्वेश्चन बट इन दीडियो टेक केयर एंड